हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये विंटर स्पेशल है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्हें मौसम चेंज होते ही सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी होममेड ऑयल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपने बच्चों को लगा के उन्हें सर्दी जुकाम और कफ से राहत दिला सकते हैं। और इस तेल में हमने सारी नेचुरल चीजें यूज की है दोस्तों, तो इसकी कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। और अगर आपको आज की मेरी ये होममेड ऑयल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्विकली हम इस होममेड बेबी ऑयल की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सरसों तेल ले लिया है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। और साथ में ऐड कर दी है 5 कलियाँ लहसुन की जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कलर की हो जाए तब तक हम इन्हें इस तेल में ही रहने देंगे। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में ही तेल बनाई है, आप चाहें तो 1/2 कप सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बस आप लगाने से पहले इस तेल को हल्की गर्म करें, फिर आप अपने बच्चों की बॉडी पार्ट्स पे इसे आराम से लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लहसुन की कलियां ब्राउन कलर की होने लग गई है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन की तासीर होती है दोस्तों गर्म, जो कि बच्चों की सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा फायदा देती है। और अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके बिना ये तेल अधूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने ली है ये जायफल जिसे मैं ग्रेट करके 2 पिंच के करीब इस तेल में ऐड करूंगी। और इस तरीके से हम इसे तेल में ही रहने देंगे। तो हमारी तेल हो गई है तैयार। आप इसे किसी भी छन्नी से छान के स्टील या कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको बच्चों को लगाना हो तो इसे हल्का गर्म कर ले, हल्का गुनगुना कर ले, फिर आप इसे बच्चों के नेक एरिया में, पीठ पे, चेस्ट पे, पैर के तलवे पे लगा के इसे अच्छे से उन्हें रब कर सकते हैं। और ऐसे करते टाइम आप फैन, पंखे वगैरह सब बंद कर दें सो दैट ये जो तेल है दोस्तों ये अपनी असर दिखा सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक होममेड बेबी ऑयल की रेसिपी जो कि विंटर स्पेशल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो होममेड बेबी ऑयल की रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।